आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज, बयान टीवी। बहन साथियों, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। अनिल गजभिए की फेसबुक वॉल के माध्यम से आज हम एक सूचना मिली है कि आज वर्ल्ड बुद्धिस्ट फ्लैग डे है। 8 जनवरी 1880 बौद्ध जगत में विशेष महत्व का दिन है, क्योंकि इसी दिन धम्म ध्वज की स्थापना हुई थी। यह धम्म ध्वज संपूर्ण विश्व को शांति, प्रगति, मानवतावाद और समाज कल्याण की सदैव प्रेरणा देता है। धम्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए संपूर्ण विश्व में बौद्ध धर्म का एक ही प्रतीक होना चाहिए। इसी विचार के साथ श्रीलंका के में बौद्ध ध्वज की रचना की गई। बौद्ध ध्वज की रचना की बात की जाए तो उसमें नीला, पीला, लाल, सफेद और केसरी, इन रंगों का प्रयोग किया गया। विश्व में बौद्ध ध्वज पहली बार 1885 में श्रीलंका में फहराया गया था। बौद्ध ध्वज बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करता है और यह दुनिया भर में आस्था और शांति का प्रतीक है। बौद्ध ध्वज के जनक और पहले अमेरिकी बुद्धिस्ट सेवा निवृत्त कर्नल हेनरी स्टील ऑलकोट थे। बौद्ध ध्वज या पंचशील ध्वज के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्रीलंका में इन्होंने बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान का काम किया है। साथ ही श्रीलंका में करीब 400 बौद्ध स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की। इसलिए हेनरी स्टील ऑलकोट को श्रीलंका में धार्मिक राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए आज भी नायक के रूप में जाना जाता है। 1880 में हेनरी स्टील ऑलकोट श्रीलंका गए थे, वहां उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। सन 1885 में बौद्ध ध्वज के निर्मिति के लिए बनाई गई समिति में एक सलाहकार के रूप में काम किया। उनके द्वारा डिजाइन किया गया बौद्ध ध्वज को वैश्विक तौर पर बुद्धिस्ट देशों में मान्यता मिली और स्वीकार भी किया गया। झंडे को मूल रूप से कोलंबो समिति श्रीलंका ने 1885 में डिजाइन किया गया था। इस समिति ने इक्का दुबे सुमंगला थेरा अध्यक्ष, मिगेट्टू वट्टे गुणानंद थेरा, डॉन कैरोलिस हैवे वित्राना, एंड्रिस पेरेरा, धर्म गुण वंदना, चार्ल्स एडी सिल्वा, पीटर डे एवरेव, विलियम डे एवरेव, एच विलियम फर्नाडो, एच एन एस फर्नाडो और कैरोलिस पुजीथा गुणवर्धना सचिव आदि लोग थे। बौद्ध ध्वज को सर्वप्रथम 28 मई 1885 में वैशाख पूर्णिमा के दिन सार्वजनिक रूप से लहराया गया था। 1952 में जो बौद्ध वैश्विक परिषद में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध ध्वज के रूप में स्वीकृत किया। नीला रंग, यह रंग शांति, दयालु स्वभाव और प्रेम का प्रतीक है। पीला रंग, यह रंग तेज और उत्साह का प्रतीक है। यह रंग मध्यम मार्ग को प्रदर्शित करता है, बुद्ध के आत्मज्ञान से मिलने वाला प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है। लाल रंग, यह रंग ज्ञान, सदाचार, गरिमा और साहस का प्रतीक है। सफेद रंग शुद्धता और निर्मलता का प्रतीक है, यह वास्तविक जीवन को प्रदर्शित करता है। केसरी रंग त्याग और करुणा का प्रतीक है, यह रंग बुद्ध के ज्ञान की शक्ति और धर्म के समृद्ध अर्थ और उसकी चमक को प्रदर्शित करता है। क्षेत्र को समांतर पट्टियां सद्भाव, शांति और खुशी में दुनिया के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और 5 वर्ण कर्म के संयोजन से बनी 6वीं पट्टी बौद्ध समुदाय के निरंतर शांति को दर्शाती है। इस पट्टी पर 5 रंगों का एक संयोजन बना है। वर्ण कर्म बुद्ध की शिक्षाओं के
सार्वभौमिक सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। धन्यवाद। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।